नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पिछले करीब 7 महीने से आक्रोशित हांगकांग के लोग एक बार शांत होने के बाद फिर से सड़कों पर उतरे, लेकिन इस बार प्रत्यर्पण बिल का विरोध करने या फिर प्रदर्शन करने नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करने। हांगकांग में सैकड़ों लोगों ने रविवार को सड़कों पर उतरकर अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की तरफ कदम बढ़ाए थे, जिसमें बूढ़े बच्चे सभी शामिल थे। और फिर लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन में अमेरिका के हांगकांग के साथ खड़े होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। लोगों के हाथों में कई तरह के बैनर्स और कार्ड्स थे। किसी पर लिखा था थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप और किसी पर लिखा था राष्ट्रपति ट्रंप कृपया हांगकांग को आजाद करें। डोनाल्ड ट्रंप से इस तरह की अपील हांगकांग वासी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और हांगकांग को लगता है कि इस मामले में अमेरिका चीन के साथ बेहतर तरीके से डील कर सकता है। और फिर अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र कानून पर दस्तखत किए हैं, जिसे अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से पहले ही पास करवाया जा चुका है। इस कानून के मुताबिक अमेरिका हांगकांग को मिले विशेष दर्जे पर नजर रखेगा, साथ ही हांगकांग को पेइचिंग से स्वायत्तता दिलाने से जुड़े प्रावधान को भी गंभीरता से लेगा। और फिर दूसरा कानून हांगकांग पुलिस को भीड़ नियंत्रण करने के साधनों मसलन आंसू गैस, पेपर स्प्रे, रबर की गोलियां, स्टन गन आदि के निर्यात पर पाबंदी लगा देगा। कुल मिलाकर ट्रंप ने लोकतंत्र का समर्थन किया और फैसला लिया कि वो पुलिस को इस प्रदर्शन को रोकने के लिए हथियार भी नहीं भेजेगा। और इन सब बातों से हांगकांग के लोग काफी खुश हैं और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद कर रहे हैं। हालांकि इसको चीन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अपने आधारभूत ढांचे के लिए हांगकांग चीन के लिए एक अहम व्यापार केंद्र है। ऐसे में उसके विशेष दर्जे की समीक्षा, वो भी अमेरिका के द्वारा, चीन के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। चीन के मुताबिक ये अमेरिका के बुरे इरादे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे अमेरिका की तरफ से चीन के मामलों में हस्तक्षेप करार दिया है और कहा है कि अमेरिका कभी अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएगा। दरअसल चीन की परेशानी हांगकांग के विशेष दर्जे को लेकर है, जिसका मतलब है कि उस पर अमेरिका के किसी भी प्रतिबंध और शुल्क का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि चीन को अमेरिका की तरफ से कोई छूट नहीं दी जाती। आपको बता दें कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। दरअसल इसकी जड़ है प्रत्यर्पण विधेयक, जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति चीन में अपराध करके हांगकांग में शरण लेता है तो उसे चीन की जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए चीन भेज दिया जाएगा। अगर ये बिल पास हो जाता तो चीन को उन क्षेत्रों में भी संदिग्धों को प्रत्यर्पित करने की अनुमति मिल जाती जिनके साथ हांगकांग के समझौते नहीं है। जैसे आरोपित व्यक्ति को ताइवान और मकाओ में भी प्रत्यर्पित किया जा सकेगा। हालांकि हांगकांग वासियों के विरोध के चलते इस बिल को पास नहीं कराया जा सका। बिल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन आंदोलनकारी बिल को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनकी दलील है कि इसके पास होने का मतलब होगा हांगकांग के लोगों पर चीनी कानून लागू होगा, जिसके बाद चीन अपनी मनमानी तो करेगा ही, साथ ही लोगों को यातनाएं भी देगा। इसके बाद फिर ट्रंप के हस्तक्षेप से फिलहाल हांगकांग शांत है और खुश भी है कि अमेरिका इस सब में हांगकांग के साथ खड़ा है।